कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है एक विधायक इंगित कर रहा है कि फलाना बिल्डर फलाना व्यक्ति इसको बुलाओ इसको बुलाओ इसको डराओ इसको धमकाओ जब उसकी जान पे बनाएगी तो फिरौती मिलेगी एक चुनी हुई सरकार जो संविधान की शपथ लेती है वो हमारे दिल्ली वासियों को धमकाती है उनकी जान पे खतरा बना रहे यह सुनिश्चित करवाती है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है और आपको मैं ये बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से आज की इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल की सहमति से पापी आपका एमएलए भी है गैंगस्टर भी है पापी आप गुंडा पार्टी आप इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर जो खुले आम वसूली करते हैं और वसूली करवाता कौन है क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के उनको डरवा के पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटोर्शन रैकेट चलाएगा और आज की इस प्रेस वार्ता में जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे ये नरेश बालिया पापी आपके और एक्सटोर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा ये एक गैंगस्टर है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई बताया जा रहा है एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है इससे रुपये वसूल ले और साठ गांठ देखिए ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है अंदर डर भी है कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं सिग्नल पे बात करते हैं पकड़े ना जाए लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस में और अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी मदिरा घोटाला करें कभी आप एक्सटोर्शन रैकेट चलाएं और यह अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता क्योंकि एक तथ्य मैं आपके समक्ष और रख दूं कुछ समय पहले एक और ऑडियो नरेश वालिया पापी आपके एमएलए का सामने आया था जिसमें इसी तरह से वो एक्सटॉर्चन वसूली कर रहे थे और ये दूसरी बार है मतलब ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं मैं सबसे पहले चाहूंगा ये जो नागरिकों को धमकी दी जा रही है उनसे वसूली की जा रही है इसका पर्दाफाश करें एक ऑडियो आपके समक्ष चलाएंगे और उसकी प्रमुख बिंदुओं पे फिर हम अपनी बात रखेंगे ऐसे तीन ऑडियो हैं, जो आपके साथ साझा किए जाएंगे क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए एक ऑडियो से आपको कम से कम ये स्पष्ट हो जाएगा कि यह कितना गंभीर मामला है एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है उसका एमएलए वसूली कर रहा है धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को साठ गांठ घनिष्ठता और मित्रता पापी आपके एमएलए और एक गैंगस्टर में ऐसी है कि सारी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और नागरिकों को इंगित कौन कर रहा है एक विधायक इंगित कर रहा है कि फलाना बिल्डर फलाना व्यक्ति इसको बुलाओ इसको बुलाओ इसको डराओ इसको धमकाओ जब उसकी जान पे बनाएगी तो फिरौती मिलेगी जब फिरौती और वसूली होगी तो वो वसूली हवाला के जरिए ली जाएगी और उसके बाद उसको बांटा जाएगा यह किसी विधायक का चरित्र नहीं हो सकता लेकिन अगर विधायक अरविंद केजरीवाल कट्टर बईमान गुंडा पार्टी का पापी आपका कन्वीनर है तो ऐसे विधायक का हो सकता है और यह चिंताजनक है कि एक तरफ आप देखिए हम सब जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ये केंद्र सरकार के तत्वाधान में काम करती है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक सुरक्षित रहे और एक चुनी हुई सरकार जो संविधान की शपथ लेती है वो हमारे दिल्ली वासियों को धमकाती है उनकी जान पे खतरा बना रहे यह सुनिश्चित करवाती है ये बहुत चिंताजनक है और इसीलिए मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी यह मान लिया जाएगा यह सारी की फिरौती जो हो रही है ली जा रही है यह अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है पहले मदिरा घोटाला शराब घोटाला जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा पचास करोड़ सौ करोड़ ये इकट्ठा करके दो और किससे रुपया वसूला जाएगा नागरिकों से दूसरा दिल्ली की जनता आज त्रस्त है दिल्ली सरकार से और यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में बदलाव की बेला है और गुंडों और अपराधियों का कुछ दिन का खेला है हम सब जानते हैं कि यह पापी आपकी जाती हुई सरकार है दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि यह विपक्ष में भी ना आए यह जनता सुनिश्चित करेगी लेकिन जब तक आप सत्ता में हैं, क्या जनता यह डिजर्व करती है कि इस तरह के फिरौतीबाज वसूली वाले विधायक पापी आप देगी और उनपे कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा